प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों मैंने आपको बताया था कि देर आर टू अप्रोचेस, नंबर वन अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच हम कर चुके हैं, नंबर टू है इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। टुडे वी विल डिस्कस इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। ये हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है बच्चों, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। इसका मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड। ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बच्चों जो अमेरिकन अप्रोच हमने की थी वहां पे हमने अकाउंट्स की कितनी कैटेगरी बनाई थी, फाइव कैटेगरीज। लेकिन जब हम इंग्लिश अप्रोच की बात करते हैं जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, पर्सनल अकाउंट्स एंड सेकेंड वन इज इन पर्सनल अकाउंट्स। बच्चों इन पर्सनल अकाउंट्स की भी फर्दर दो कैटेगरी है, नंबर वन रियल अकाउंट, नंबर टू नॉमिनल अकाउंट। हम ये भी कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, टोटल कैटेगरी हो गई थ्री। आप टू कैटेगरीज भी कह सकते हो, पर्सनल एंड इन पर्सनल। थ्री कैटेगरीज भी कह सकते हो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये है कि इनका मीनिंग क्या है, इनका डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग हम करते हैं बच्चों पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट्स। बच्चों पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट्स। ये पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, किसी फर्म से रिलेटेड है, किसी कंपनी से रिलेटेड है या किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। बच्चों इंडिविजुअल जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, दिस इज पर्सनल अकाउंट, सचिन अकाउंट, दिस इज पर्सनल अकाउंट। किसी भी इंडिविजुअल का नाम है राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, ऑल दीज आर पर्सनल अकाउंट्स, राइट। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, फर्म। कोई भी फर्म है, रामलाल एंड सन्स, भोलानाथ एंड सन्स, कोई भी फर्म है, वो भी किस कैटेगरी में आएगी, पर्सनल अकाउंट, राइट। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, कंपनी, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, डीसीएम लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, कोई भी कंपनी है, दिस इज पर्सनल अकाउंट। और आगे मैंने लिखा है इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, डीएवी पब्लिक स्कूल अकाउंट, आरकेएसडी पब्लिक स्कूल अकाउंट। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि कोई भी नेम है, चाहे वो नेम किसी इंडिविजुअल का है, किसी फर्म का है, किसी कंपनी का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, ऑल दीज आर पर्सनल अकाउंट्स, क्लियर। अब अगली बात आती है कि इसको डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है। बच्चों एग्जांपल्स में बोर्ड पर नहीं लिख रहा, ये मैंने मेंशन कर ही दिया है, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ गए होंगे। अब बात मैं कर रहा हूं रूल की, हमारा टॉपिक यही है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब क्वेश्चन ये बच्चों की जो पर्सनल अकाउंट है, जैसे कि राम अकाउंट की बात मैं कर रहा हूं, मोहन अकाउंट की बात मैं कर रहा हूं, रिलायंस लिमिटेड की बात मैं कर रहा हूं, कोई भी पर्सनल अकाउंट है उसको डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, उसका बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है। रूल क्या है, डेबिट
the receiver and credit the giver. Eligibles. Debit the receiver and credit the giver. अगर वो receiver है तो आपने उसके account को debit करना है, अगर वो गिवर है तो आपने उसके अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। और इतना तो बच्चों आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो कि किसी ट्रांजेक्शन में वो रिसीवर है या गिवर है। चलो एक एग्जांपल की हेल्प से हम डिस्कस करते हैं। बच्चों एक ट्रांजेक्शन में बोर्ड पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। कैश पेड टू राम 1000, कैश पेड टू राम रूपीज 1000, हमने राम को पेमेंट की है 1000। सबसे पहले देखिए किन दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। मैंने कहा था कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स, विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड, राम अकाउंट एंड अदर इज कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, राम अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा और कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। चलो कैश अकाउंट की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, अभी मैं छोड़ रहा हूं कैश अकाउंट को, हम बात करते हैं राम अकाउंट की। बच्चों आइडेंटिफाई कीजिए राम अकाउंट किस कैटेगरी में आता है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। दिस इज पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल। मैंने कहा था कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, दिस इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपने रूल अप्लाई करना है। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में राम रिसीवर है या गिवर है, सोचिए। हमने राम को पेमेंट की है 1000, ये 1000 किसे मिले हैं, राम को मिले हैं। रिसीवर कौन है, राम, राम इज द रिसीवर, उसको रिसीव हो रहे हैं। और अगर वो रिसीवर है तो रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है बच्चों, क्वाइट सिंपल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर वो रिसीवर है, दैट्स व्हाई राम अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रूपीज 1000। ओके, कैश अकाउंट अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। एक ट्रांजेक्शन बच्चों मैं और लिख रहा हूं, कैश रिसीव, कैश रिसीव फ्रॉम मोहित 2000, कैश रिसीव फ्रॉम मोहित 2000, हमें पेमेंट मिली है मोहित से, विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड। बच्चों आपने साथ साथ सोचना है, सोचिए किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा किस पर पड़ेगा, मोहित अकाउंट पर। कैश अकाउंट अभी छोड़ रहा हूं, डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, मोहित अकाउंट की बात मैं कर रहा हूं। देखिए बच्चों पर्सनल, रियल और नॉमिनल सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, तो दिस इज पर्सनल अकाउंट। फिर आपके सामने रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आप खुद सोचिए कि इस ट्रांजेक्शन में मोहित रिसीवर है या गिवर है। कैश रिसीव फ्रॉम मोहित, हमें पेमेंट मिली है, किससे मिली है, मोहित से। किसने दिए हैं, मोहित ने दिए हैं ये 2000 रुपए, तो मोहित इज द गिवर। और अगर वो गिवर है तो गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। देखो बच्चों जब भी हम किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं उसका कोई रटा नहीं है, लॉजिक है, विद लॉजिक आपने चलना है। तो मोहित अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद रूपीज 2000 बिकॉज ही इज द गिवर। तो ये था बच्चों पर्सनल अकाउंट क्या होता है और क्या इसका रूल है। देखिए कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। वैसे बच्चों पर्सनल अकाउंट की भी फर्दर 3 कैटेगरीज है, लेकिन आज मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो बस ये ध्यान रखिए कि व्हाट इज पर्सनल अकाउंट एंड व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स बच्चों पहला क्वेश्चन ये है कि रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, विच आर रिलेटेड टू एसेट्स ऑफ द बिजनेस। नॉर्मली जितनी भी एसेट्स है बिजनेस की हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, रियल अकाउंट। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, कैश अकाउंट
एसेट है और एसेट का मतलब रियल अकाउंट है। बच्चों कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट, ऐसे ही मोटर व्हीकल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट एंड सो ऑन। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। बच्चों एक बात और नोट करो यहां पर कि जो एसेट्स में कह रहा हूं वो टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। जो मैंने आपको पहले बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर में, ये देखिए यहां से लेके यहां तक दीज आर टेंजिबल एसेट्स एंड लास्ट टू एग्जाम्पल्स आर ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। रियल अकाउंट की भी फर्दर दो कैटेगरी है, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो बच्चों जितनी भी एसेट्स है बिजनेस की, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल है, वो किस कैटेगरी में आएंगी? रियल अकाउंट। ओके, अब अगली बात है कि इसको डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है। क्वाइट सिंपल बच्चों, रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई एसेट बिजनेस में आ रही है तो आपने उसको क्या करना है? डेबिट। और अगर कोई एसेट बिजनेस से बाहर जा रही है तो आपने उसको क्या करना है? क्रेडिट। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000। हमने अपने ऑफिस के लिए, दुकान के लिए फर्नीचर लिया है, कितने का लिया है? 10,000। पहला क्वेश्चन वही है, विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। एक फर्नीचर अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा और एक किस पर इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? कैश अकाउंट पर। अब देखिए फर्नीचर अकाउंट की नेचर क्या है? पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? दिस इज रियल अकाउंट, एसेट। और बच्चों कैश अकाउंट की नेचर क्या है? ये भी रियल अकाउंट है, बाई चांस। बाई चांस जरूरी नहीं है कि दोनों ही रियल अकाउंट होंगे, दिस इज बाई चांस। तो फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बोथ आर रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल आपके सामने है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए फर्नीचर परचेज हमने किया है तो फर्नीचर तो बिजनेस में आया है, और जब कोई ऐसे बिजनेस में आती है हम उसे क्या करते हैं? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रूपीज 10,000, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब देखो हमने पेमेंट की है तो कैश तो बाहर गया, कैश तो बिजनेस से बाहर जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट विद रूपीज 10,000। जो एसेट बिजनेस में आ रही है डेबिट, और जो एसेट बिजनेस से बाहर जा रही है क्रेडिट। यही है बच्चों डबल एंट्री सिस्टम, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। मैंने आपको कहा था कि दोनों ही अकाउंट डेबिट हो गए ऐसा कभी नहीं हुआ, और दोनों ही अकाउंट क्रेडिट हो गए ऐसा भी कभी नहीं हुआ, नेवर। वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड, दिस इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर? एक ट्रांजेक्शन में चोर लिख रहा हूं, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश 50,000, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश हाउ मच? 50,000। हमारी फैक्ट्री में मशीन है, मशीन पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई, और हमने उसको सेल कर दिया। विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड? कैश अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेचर की। कैश अकाउंट की नेचर क्या है? अगेन रियल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट की नेचर क्या है? दिस इज ऑल्सो रियल अकाउंट, दोनों ही एसेट है, बोथ आर रियल अकाउंट। अब देखिए मशीन सोल्ड फॉर कैश, मशीन बिजनेस में आई है या बिजनेस से बाहर गई है? मशीन तो बिजनेस से गई है, क्या करेंगे? क्रेडिट विद रूपीज 50,000, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और बदले में हमें क्या मिला है? कैश।
कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट वर कम्स इन, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रूपीज 50,000 एंड मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद रूपीज 50,000। दिस इज रियल अकाउंट। देखो बच्चों समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे? बिल्कुल सिंपल है, बस ये रूल्स आपको लर्न होने चाहिए, ये रूल्स आपको समझ आने चाहिए, तभी आप आगे अकाउंटेंसी पढ़ पाओगे। अब देखो बच्चों दो ट्रांजेक्शन मैंने ऊपर लिखी थी उनको भी कंप्लीट करता हूं। पहले मैंने क्या लिखा था, कैश पेड टू राम रूपीज 1,000, राम को मैंने क्या किया था, डेबिट, कैश अकाउंट मैंने छोड़ दिया था। अब डिस्कस करते हैं बच्चों, राम अकाउंट की नेचर तो क्या थी, पर्सनल, उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। कैश अकाउंट की नेचर क्या है, पर्सनल, रियल के नॉमिनल, रियल अकाउंट। अब देखिए रियल अकाउंट का रूल आपके सामने है, इस ट्रांजेक्शन में कैश आया है या कैश बाहर गया है, कैश पेड टू राम, हमने पेमेंट की है, कैश तो जा रहा है, और अगर कोई एसेट बिजनेस से बाहर जा रही है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ये देखो बच्चों वेरीफाई भी हो गया, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड, दिस इज डबल एंट्री सिस्टम। इस ट्रांजेक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम मोहित, मोहित अकाउंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। कैश अकाउंट की बात करते हैं, कैश अकाउंट की नेचर क्या है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, दिस इज रियल अकाउंट। अब देखिए रूल आपके सामने है, कैश बिजनेस में आ रहा है या कैश बाहर जा रहा है, कैश रिसीव, कैश तो आ रहा है, और जब कोई एसेट बिजनेस में आती है हम उसे क्या करेंगे, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट और मोहित अकाउंट क्रेडिट, वन अकाउंट इज डेबिटेड अदर इज क्रेडिटेड। ऐसी बच्चों थर्ड ट्रांजेक्शन थी, वन इज डेबिटेड अदर इज क्रेडिटेड, और ऐसे ही लास्ट ट्रांजेक्शन। तो ये है बच्चों हमारा डबल एंट्री सिस्टम, आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स, एटलीस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो से ज्यादा अकाउंट्स पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड, दिस इज डबल एंट्री सिस्टम। तो दो अकाउंट्स मैंने आपको बता दिया, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। अब बच्चों रियल अकाउंट में एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी मैं कह रहा था कि रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एसेट्स ऑफ द बिजनेस, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये जो बात मैंने बोर्ड पर लिखी है इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। नॉर्मली जो एसेट है वो रियल अकाउंट कैटेगरी में आएगी नॉर्मली, लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं जो रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं डेटर्स की, बच्चों बात कर रहा हूं डेटर्स, डेटर्स का मीनिंग आपको पता है, द पर्सन और फर्म टू हूम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड सो फार, तो डेटर है, डेटर कौन है, हमारी एसेट है नो डाउट, लेकिन जो डेटर है वो रियल अकाउंट नहीं है, दिस इज नॉट रियल अकाउंट, मेक इट क्लियर, डेटर हमारी एसेट है नो डाउट, बट दिस इज नॉट रियल अकाउंट। सोचिए आप दिमाग पर जोर डालिए बच्चों, डेटर होता कौन है, या तो कोई पर्सन होगा, पर्सन का मतलब कोई इंडिविजुअल होगा, या फिर डेटर कोई फर्म भी हो सकती है। हमने जो उधार माल दिया है या तो किसी इंडिविजुअल को दिया होगा, या किसी फर्म को दिया होगा, या किसी कंपनी को दिया होगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया होगा। मान लीजिए मैंने राम को उधार माल दिया, राम मेरा क्या बन गया, डेटर, तो राम अकाउंट कोई रियल अकाउंट थोड़ी है, राम अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है, आप समझ रहे हो। हमने डीएवी स्कूल को उधार माल दिया तो डीएवी स्कूल हमारा क्या बन गया, डेटर, लेकिन डीएवी स्कूल अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है। तो बच्चों ये जो डेटर्स अकाउंट है इसकी नेचर क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि डेटर कौन होगा, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है ये ऐसे, बट ये रियल अकाउंट नहीं है, दिस इज पर्सनल अकाउंट। ऐसी एक एक्सेप्शन मैं आपको और बताता हूं, बैंक,
बैंक अकाउंट। बच्चों एक होता है कैश अकाउंट और एक होता है बैंक अकाउंट। वैसे तो हमें पता है कि कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों हमारी एसेट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, ठीक है, बट बैंक अकाउंट इज नॉट रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट नहीं है, है तो एसेट बट दिस इज नॉट रियल अकाउंट। सोचिए ऐसा क्यों? बच्चों बैंक अकाउंट का मतलब क्या है? हमारी फर्म ने किसी बैंक में अपना अकाउंट खोल रखा है। किस बैंक में खोला हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आईसीआईसीआई में। अब ये जो पीएनबी है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, ये सारे बैंक तो कंपनीज हैं, ये सारे के सारे बैंक ऑर्गेनाइजेशन है। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, एचडीएफसी बैंक अकाउंट, ये सब कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं। और जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? पर्सनल अकाउंट। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, कंक्लूजन ये निकलता है कि नॉर्मली जो भी एसेट है वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगी नॉर्मली, लाइक कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, चाहे वो एसेट टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन भी यहां पर हो सकते हैं, कुछ एसेट्स ऐसी हो सकती हैं जो रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आती, लाइक दिस एंड दिस। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको सारी बातें क्लियर होंगी, नो डाउट। तो पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, इसकी प्रैक्टिस आपने आज करनी है। कल के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल अकाउंट, और एक जो मैं आपको कह रहा था कि पर्सनल अकाउंट की भी फर्दर कैटेगरीज है, वो भी हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी कि कल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों इसके आगे जो हमने जर्नल वाला चैप्टर स्टार्ट करना है, आप ये मान के चलिए कि जर्नल स्टार्ट हो चुका है। ये जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, ये जो ट्रांजेक्शन में डिस्कस कर रहा हूं, ये ही सारी बातें जर्नल में आनी है। ये बातें अगर आपको समझ आ रही है तो समझ लो जर्नल भी आपका हो गया, सारा खेल रूल्स का है। तो बच्चों दोनों अप्रोच आपने पक्की करनी है, अमेरिकन अप्रोच एंड इंग्लिश अप्रोच, और ये टॉपिक हमारा कल ओवर हो जाएगा। Thank you very much.